इधर भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर बयान देकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वहां रहने वाले खालिस्तान समर्थकों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रूडो के इस प्लान का मास्टरमाइंड उन्हीं की पार्टी के सांसद और खालिस्तान समर्थक सुख धालीवाल हो सकते हैं, क्योंकि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर सुख धालीवाल का करीबी था। यहां तक कि वो उनकी संसदीय सीट सरी के ही एक गुरुद्वारे में रह रहा था, जहां 18 जून को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खुफिया सूत्रों ने बताया कि निज्जर कनाडा में एक रैकेट चला रहा था, जिसमें अलग अलग देशों से लोगों को फर्जी दस्तावेज के जरिए कनाडा लाया जाता था और उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। सूत्रों ने दावा किया इस काम के लिए उसे ट्रूडो की पार्टी के सांसद सुख धालीवाल का समर्थन मिला था। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ गहरे लिंक रखने वाले सुख धालीवाल ने ही ट्रूडो को निज्जर की हत्या के मुद्दे को भुनाने का आइडिया दिया था, ताकि उन्हें कनाडा में रहने वाले सिखों की सहानुभूति मिल सके, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। इस बीच भारत के खुफिया विभाग के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा के बाद खालिस्तानी आतंकी ब्रिटेन में पांव पसारने के लिए बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। सूत्रों ने जानकारी दी कि खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा के समर्थक ब्रिटेन में अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, और सूत्रों के मुताबिक इस प्लानिंग में वही खालिस्तानी आतंकी शामिल हैं जिनका हाथ लंदन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले में था। भारत की जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस हमले का पूरा प्लान खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा ने अपने साथियों के साथ मिलकर तैयार किया था। अवतार सिंह खांडा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था और लंदन में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। उस पर भारत में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को मदद पहुंचाने का भी आरोप लगा था। इसी साल जून के महीने में उसकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर को उसकी मौत की वजह बताया। खुफिया विभाग के सूत्रों ने दावा किया कि अवतार खांडा के करीबी खालिस्तानी आतंकी शमशेर सिंह खालसा और जगदीप सिंह विर्क लंदन में भारत के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का प्लान बना रहे हैं। उधर स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त की गुरुद्वारे में एंट्री रोकने के मामले की जांच शुरू कर दी गई। 3 दिन पहले वहां एक गुरुद्वारे में खालिस्तान के कुछ समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को जाने से रोक दिया था और उनके साथ बदसलूकी भी की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें गुरुद्वारे के अंदर एक शख्स भारत के उच्चायुक्त को धमकी देता नजर आया। ये पूरी घटना भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरायस्वामी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की, लेकिन उस शख्स ने उनका मोबाइल भी जबरन बंद करा दिया। वहीं एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग भारत के उच्चायुक्त की कार के पास खड़े नजर आए और उनसे वहां से लौट जाने को कहते दिखे। इस घटना की निंदा करते हुए सरकार ने वहां की पुलिस को जांच के आदेश दे दिए। भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में आने से रोकने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराएं लगाई गई। इस बीच दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने ट्रूडो पर लोगों के बोलने की आजादी को कुचलने का आरोप लगा दिया और कनाडा सरकार के एक फैसले को मीडिया की स्वतंत्रता पर पाबंदी से जोड़ दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए एक नया नियम बनाया, जिसके तहत वहां की सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं को सरकार से अनुमति के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसके बाद कनाडा सरकार पर आरोप लगा कि इस नियम के जरिए सरकार ऑनलाइन कंटेंट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखेगी, क्योंकि इसके तहत OTT प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट पर दिखाया और सुनाए जाने वाला कंटेंट शामिल होगा। इलॉन मस्क ने भी ट्वीट कर जस्टिन ट्रूडो के इस फैसले को शर्मनाक बताया। जबकि ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी थी। हालांकि G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर उन्हें खरी खरी सुनाई थी।